बताइए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। नहीं हनुमान, तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। विप्रवर, मेरी शक्तियों से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कौन है आप? मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे। ब्राह्मण अपना परिचय देगा तभी उसे दान प्राप्त होगा। दान देना है तो अपनी समस्त वरदानी शक्तियों का सदैव के लिए मुझे दान दे दो, अन्यथा लौटा दो उस ब्राह्मण को। नारायण नारायण, यदि रावण का कपट सफल हुआ और हनुमान ने पाखंडी ब्राह्मण को अपनी शक्तियां दान कर दी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण, यह अन्याय है। बाली को उसके दो वरदानों के साथ हनुमान द्वारा उसकी माता को दिया गया वचन भी रक्षित कर रहा है। ऐसे में अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हनुमान ये युद्ध कैसे कर पाएगा? रावण के इस कुटिल षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हनुमान का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस समय मुझे हनुमान की सहायता करनी ही होगी। मैं इस कुशा को तुम्हें सौंपते हुए दान की पवित्र प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। हनुमान, अपनी समस्त वरदानी शक्तियां मुझे दे दो हनुमान, मात्र एक दिवस के लिए। अरे, ये मेरी जिह्वा को क्या हुआ? सदैव के स्थान पर मात्र एक दिन के लिए इसकी शक्तियां मांगी मैंने। माता सरस्वती की जय हो। आपने उस पाखंडी ब्राह्मण की बुद्धि को प्रभावित कर घोर अनर्थ होने से बचा लिया। नारायण नारायण। ये क्या मांग रहे हैं आप ऋषिवर? क्या आपको ज्ञात नहीं हनुमान का युद्ध वाली के साथ शक्तियों से वंचित निर्बल युद्ध भूमि में महाबलशाली वाली का सामना कैसे कर पाएगा मेरा पुत्र हनुमान? प्रतीत हो रहा है आपको स्वयं हनुमान से दान लेने में तनिक संकोच हो रहा है। आप ये कृत्य स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, अवश्य वाली भैया या फिर उनके सहयोगी ने आपको बाध्य किया है। तुम्हें कुछ भी प्रतीत हो हनुमान, अपने वचन को पूर्ण करो। तुम्हें दान देना है तो दो, अन्यथा स्पष्ट मना कर दो। मैंने दान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, अब दान संकल्प पूर्ण करने का दायित्व तुम्हारा है हनुमान। युद्ध से पूर्व आपने इस शक्तियां मांगकर दान मर्यादा को भंग किया है, अर्थात हनुमान आपको दान देने के दायित्व से निवृत्त है। आश्चर्य आश्चर्य है मुझे आपके इस दान धर्म के नवीन व्याख्या पर महाराज केसरी जी। ब्राह्मण का इतना अपमान, अपने वचन का तिरस्कार कर रहे हैं सुमेरु के युवराज हनुमान। वचन देने के उपरांत दान रहित रिक्त हाथ लौटा रहे हैं इस ब्राह्मण को। महारानी, प्रणाम महारानी। प्रणाम किष्किंधा महारानी। एक ब्राह्मण ऋषि ने युवराज हनुमान की समस्त वरदानी शक्तियों को दान में मांग लिया है। हनुमान के स्वभाव से परिचित हूं मैं, उस ब्राह्मण की इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। अपनी समस्त शक्तियां उसे प्रदान कर दे।
चाहिए विप्रवर। मैं दान का संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ विप्रवर जी। ये क्या कह रहे हो पुत्र हनुमान? ऐसा मत करो पुत्र, ये अवश्य वाली की कोई चाल है। पिताश्री, मैं दान धर्म की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। अपने पास है ब्राह्मण को रिक्त हाथ नहीं लौटा सकता मैं। पिताश्री, आप ही कहते हैं जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनका कोई अहित नहीं होता। हनुमान निडर होकर अपने धर्म का पालन करेगा। विप्रवर, आपकी इच्छा अनुसार आज केसरी नंदन हनुमान। मैं आज आपको एक दिवस के लिए अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान करता हूँ। देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी, मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें वरदान देता हूं तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं, मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी, देहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। दान धर्म का रख कर मान,
हनुमत करते शक्ति का दान, हनुमत शक्ति का है सागर, विप्र भरत है अपने गागर। अब शक्ति विहीन होकर बलशाली वाली से कैसे युद्ध करेगा मेरा पुत्र? प्रदान करके तुमने उचित नहीं किया पुत्र। किष्किंधा महारानी जी को वचन दे दिया। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इंद्रदेव की शक्ति वाला कंठहार बाली को लौटा दिया और हम और आज अपनी समस्त शक्तियां एक ब्राह्मण को दान कर दी। ये कैसा भोलापन है पुत्र? अब कैसे युद्ध करोगे बाली से? माँ, माँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में होकर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता था। ये मुझे आपसे और पिताश्री के आचरण से सीख प्राप्त हुई है। माँ, मैं भयभीत होकर धर्म की मर्यादा का व्यवहार नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो अब तुम पुत्र धर्म निभाओ, तुम युद्ध नहीं करोगे। वचन दिया है, मेरी कथनी और मेरी करनी में भेद नहीं कर सकता। उस वचन को रखने के लिए मैं उस युद्ध भूमि में जाने के लिए मैं विवश हूँ माँ। पुत्र, पुत्र हनुमान, मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम वाली के छल से अपने बल खोकर उससे युद्ध करो। पिताश्री, आप मुझे मत रोकिए। मैं मात्र अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद तो है मेरे साथ। माँ, पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माध्यम से इस युद्ध में धर्म की ही विजय हो।
प्रतीत होता है जैसे मेरी माता श्री को ग्लानि सता रही है। कहीं उस मरकट से सहानुभूति तो नहीं हो रही है? महारानी, अब तो आपको अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा होगा। अब तो आपके वचन से बाधित हनुमान की सारी शक्तियां भी चली गईं। अब आपके पुत्र वाली को हनुमान से कोई भय नहीं। अभी भी समय है, हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर दो। आप न्यायपरता और उदारता का परिचय दे सकती हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, मुझे अभी इसी क्षण हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर देना चाहिए। कहाँ जा रही है माताश्री? उस मरकट के पास? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए आप। शीघ्र ही आपके मातृत्व की विजय होने वाली है। आपका पुत्र महान तमवाली अवश्य आज युद्ध में उस मरकट को परास्त कर देगा। छोड़ दो मुझे वाल, तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो। योग्य हूँ अथवा अयोग्य? हूँ तो आपका पुत्र ना। मेरे प्रति आपका क्रोध मेरे लिए अथाह स्नेह का प्रमाण है। आप मेरी माँ हैं, ये कैसे भुला सकती हैं आप? और यदि आप भुलाना चाहेंगी तो भी आपका पुत्र आपको यह अवसर नहीं देगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। मुझे ज्ञात है आप ये प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगी। सही, तुम्हारी वरदानी शक्तियां तो गई मरकट।
अब देखता हूँ कब तक युद्ध भूमि में खड़े रहते हो। हनुमान के पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माता श्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो है उसके साथ।